रिलेशनशिप अच्छी और बुरी भी होती है, तो हमको डिफाइन करने पड़ेगी क्या अच्छी रिलेशनशिप है, क्या बुरी रिलेशनशिप है। हाउ डू यू डिफाइन ए गुड रिलेशनशिप? जब आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक डेफिनेशन हुई अच्छे रिलेशनशिप की। और क्या कहेंगे आप? अकॉर्डिंग टू मी व्हाट अ गुड रिलेशनशिप इज, अ गुड रिलेशनशिप हैज म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। या म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअलिटी, इट हैज द फीलिंग ऑन बोथ द साइड्स। आप कह रहे हैं दोनों तरफ से होना चाहिए। exactly, प्यार exactly. एक तरफ से नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. जी समझ गया जी। और बताइए। गुड मॉर्निंग सर। बड़ा अच्छा कहा आपने सर। अकॉर्डिंग टू मी अ गुड रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, obviously a relationship would fly. Yes, trust and understanding. Yes sir, it is a relationship is good when both are being benefited, like if one is it is a win-win situation, not a win-lose situation. ye to lene dene ki baat ho gayi. aap mere liye ye kariye, you scratch my back and I do yours. wo relationship nahi hui na. win-win hona chahiye, ek dusre ki mutual respect honi chahiye, mana. लेकिन विन विन रिलेशनशिप तो वो फिर ट्रांजैक्शनल हो गया। इसमें मुझे एक बात याद आती है, हमने पीछे एज ए मीडिया 4 साल पहले भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, और इस बिल में दो बिल एक्चुअली लाए गए, जो कि एक बिल ऐसा था कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरा पति मुझे इल ट्रीट करता है, तो पुलिस पहली बार वार्न करेगी, दूसरी बार उसको गिरफ्तार कर लेगी। उनको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से वो इल ट्रीट करता। दूसरा बिल वो ये लाए कि यदि कोई बच्चा भी, भले किसी भी एज का हो, 5-6 साल से ऊपर हो, बोल सकता हो, 5-6 साल की उम्र से 20-22-25 साल का किसी भी उम्र का हो या हो लड़की हो, वो यदि कंप्लेंट करे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो पेरेंट्स को भी वो इसी तरह से पहले वार्न करेंगे, दूसरी बार गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमने इस बात को अपोज किया। आप शायद कहेंगे कि आपने गलत अपोज किया, कि हमें ये लगा कि भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है, जिनको उसी प्रकार का वातावरण मिला है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। वो कई जगह ऐसे किस्से हैं जो आदमी अपने औरत को इल ट्रीट करता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी किस्से हैं जैसे सिक्किम। सिक्किम भारत का ही एक अंग है। सिक्किम के अंदर एक परंपरा है कि वो लड़का लड़की के घर आता, तो वहां पे ऐसे किस्से भी देखे गए कि वो लड़की अपने पति से इल ट्रीट करती। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बाय एंड लार्ज पति पत्नी के रिलेशन हिंदुस्तान में अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिवोर्स रेट भारतवर्ष में 0.002% है, जो कि एक विकसित देश में, बिना उसका नाम लिए कहूंगा, पहली शादी 65% टाइम डिवोर्स में कन्वर्ट होती। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप एग्रीमेंट से रिलेशनशिप बनाएंगे, एग्रीमेंट किया आपने कि मैं अपने पत्नी को ठीक से ट्रीट करूंगा, आज से मैं लिख के देता हूं, अंडरटेकिंग पुलिस को देता हूं, या आज से मैं अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है दोस्तों, जिसमें के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से हो या एग्रीमेंट्स बना के किए जाए। अभी आपने कुछ देर कहा था कि इंडिया में बहुत कम तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, 0.02% होते हैं। मैं उस 0.002 बट मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि इस कारण नहीं होते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बहुत बार ये भी कारण रहता है कि लोग समाज के डर से नहीं करते हैं। रूढ़ीवादी सभ्यता जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उनके कारण लोग नहीं करते हैं। तो इससे हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि ऐसे रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए जो नहीं चल रही है, क्योंकि उससे घर का माहौल खराब होता है और जो आने वाले बच्चे हैं उन पे असर पड़ता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कब क्या खत्म करना चाहिए और कब क्या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत एक एक ये अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेकिन एक संशोधन करना चाहूंगा. आपका नाम क्या है? रोहित आनंद. रोहित आनंद. रोहित, आपकी बात से एक ही बात को करेक्शन करना चाहूंगा कि बहुत बार नहीं, ज्यादातर समाज उस संबंध की ओनरशिप ले लेता है और इसलिए वो संबंध बिगड़ने नहीं देता. समाज का डर नहीं. जब एक भारत में, एक चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे किसी पंजाब में हो, लड़के लड़की की जब शादी होती है तो रिश्ते कराने वाले कुछ अलग लोग होते हैं. शादी जब होती है तो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं. उसका मकसद एक है कि ओनरशिप समाज ले लेता है उस शादी की. और जहां कहीं लड़की से गलती हुई या लड़के से गलत हुआ, समाज उसी वक्त खड़ा हो जाता है. वो उठ के सामने बात करने लगते हैं कि भाई इसको समझाओ यार, मुल्के को समझाओ. मैं तो ये कहूंगा कि कन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में एक स्वाभाविक चीज है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को, उसके अंदर बॉन्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए. कम्युनिकेशन में ही आप अपने कन्फ्लिक्ट को ठीक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो गलत था या मैं गलत था. और जब समझ में आता है कि कौन गलत था और वो दूसरा आदमी अगर रिकग्नाइज करता है, उसको स्वीकार करता है, तो आपस में बॉन्ड्स ज्यादा बढ़ते. मुझे नहीं पता आप लोगों का, मुझे तो बहुत बार हुआ. जब नई नई शादी हुई थी तो महीने दो महीने में झगड़ा होना ही चाहिए एक बार बीवी से, और बीवी भी गुस्से में कह देती ठीक है अगर आपको नहीं जमता तो मैं अपने मायके चली जाती हूं. लेकिन एक दो घंटे बाद, छह घंटे बाद, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगले दिन फिर एक दूसरे से, अरे छोड़ो ना यार, तुम क्यों गुस्सा हो गई थी, अच्छा. रूठने मनाने की प्रक्रिया भी एक हेल्दी प्रक्रिया है. कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. सर आपको लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट इज हेल्दी और शुड वी बी माइंडफुल अबाउट इट? डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप पर्सनल हैं या प्रोफेशनल हैं. जहां प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों वहां पे आपको अपने इमोशंस का एक दायरा बनाना पड़ेगा, एक सीमा बनानी पड़ेगी. जहां तक पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें तो जितने इमोशन स्ट्रोंग होंगे उतने ज्यादा रिलेशनशिप मजबूत भी होगी, लेकिन कई बार उसमें झगड़े भी होंगे, कन्फ्लिक्ट भी ज्यादा आएंगे. लेकिन उन इमोशंस को जिस वक्त वो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो उस समय में थोड़ी देर अपने आप को, इतनी ताकत आप में होनी चाहिए कि इमोशंस को दूर रख के उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए. और कर सकते हैं आप, जरूर आपके मन में भी होगा कि कन्फ्लिक्ट. कोई भी आदमी अपना उदाहरण देना चाहेगा, कोई लड़की, कोई? मेरी एक गर्लफ्रेंड है. हमारा 1.5 साल से रिलेशनशिप चल रहा है. राजस्थान से हो आप? नहीं, कहाँ से? गुजरात से. गुजरात से? अच्छा. गुजरात नो छे. हाँ. हाँ सर, 1.5 साल से हमारी हर हफ्ते में 2-3 बार झगड़ा होता ही रहता है. हाँ. लेकिन हर बार मैं ही टॉलरेट करता हूँ. हाँ. क्योंकि वो जब भी झगड़ा होता है तब बोलती है कि अब ब्रेकअप कर दे दे. हाँ. तब मुझे डर लगता है. मैं क्या, चलो अब थोड़ा मैं सबर कर लेता हूँ, अब थोड़ा वक्त टाइम लेता हूँ. शादी हो जाएगी तो बताऊंगा. ऐसा आता है मन में क्या? हाँ ऐसा होता है कभी. ये देखिए. फिर भी सर थोड़ा मतलब मैं टॉलरेट कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ उसे अच्छी अच्छी बातें याद दिलाता हूँ, ऐसा है ऐसा वैसा. फिर बाद में मैंने ऐसा किया, तुम्हें शॉपिंग करके लाया, तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको ये तोहफा दिया. हाँ. ये सब बातें याद दिलाते. हाँ, तो अच्छा. फिर हो जाता है सब सॉल्व. अच्छा, सब सॉल्व हो जाता आखिर. जब कन्फ्लिक्ट कई बार आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कन्फ्लिक्ट इस आदमी से या इस व्यक्ति से इस रिलेशन में लेना है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि चूज योर कन्फ्लिक्ट ऑल्सो. उसको वे करो कि क्या इज इट वर्थ टेकिंग द फाइट विद सो एंड सो पर्सन. जैसे उसने, गुजराती डिगड़े ने सोचा कि भाई अब क्या करेंगे, अब तो ये गर्लफ्रेंड तो मेरी, मुझे पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, तो कुछ भी करें. तो उसने विजुलाइज किया अल्टरनेटिव क्या होगा.
कि अगर ये कन्फ्लिक्ट को हम आगे तक ले जाऊंगा तो क्या होगा, अगर इसको रोकने में फायदा है कि इसको आगे ले जाने में फायदा है। और जब कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो आपस में, आप भी कमिट करिए और सामने वाले से भी कमिटमेंट लीजिए, उससे आपकी रिलेशनशिप में बॉन्डेज और ज्यादा बढ़ेगी। और बी कंसिस्टेंट एंड देन प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरीली बैड, नॉट बी ओवर पोजेसिव बट सर्टनली प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप्स, टेल गुड थिंग्स टू योर पार्टनर। तो ये मैंने बड़ा देर से सीखा, मैंने कभी अपनों को अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे मेरे भाई रहे या बच्चे रहे, उनको अप्रिशिएशन नहीं दिया। जब समझ में आया, जब से अप्रिशिएट करने लगा उनकी अच्छी चीजें, और जब से दोनों बातें कहना शुरू किए, मेरी रिलेशनशिप सबसे इम्प्रूव हुई। थैंक यू। इसके साथ ये कह के वाइंड अप करूंगा कि रिलेशनशिप्स लाइफ में बहुत जरूरी हैं, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, सक्सेसफुल होने की आपकी कामना इच्छा हो, तो भी पर्सनल लाइफ में भी खुश रहने के लिए रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, एंड स्पेशली फॉर अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी गो थ्रू ऑल द टाइम अप्स एंड डाउन्स। ये रिलेशनशिप्स ही हैं जो आपको समता में बनाए रखती, आपको हेल्प करती। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।